अस्सलाम वालेकुम। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान की टीम सिंध हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। जिस तरह के वकार भाई ने इंस्ट्रक्शन हमें दी थी, हम लोग उसी तरह हम लोग वो फॉलो कर रहे हैं। और हम लोग सिर्फ कैम्ब्रिज के लिए नहीं, इंटर बोर्ड के लिए और तमाम बोर्ड्स के लिए हम लोग यहाँ पे इस वक्त खड़े हुए हैं, और आप तमाम लोगों की दुआओं की जरूरत है। जैसा कि आप लोग प्रीवियस क्लिप में देख चुके हैं कि आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर इंटरमीडिएट और कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स हैं, उस हवाले से सिंध हाई कोर्ट के अंदर आज एक केस किया गया था, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि सिंध हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर स्टूडेंट जो हैं वो अपने एग्ज़ाम के हवाले से सीरियस हैं और उनकी जो मेजोरिटी है वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुई, और अगर स्टूडेंट्स को इलीगल प्रोटेस्ट करते हैं तो लाखों की तादाद में जो रोड्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, रोड पे जो प्रोटेस्ट करते हैं वो जस्ट एक मजाक मस्ती है। इस हवाले से वकार सका की तरफ से एक इम्पोर्टेंट ट्वीट किया गया था जो कि आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। अगर हम इस ट्वीट के रीट्वीट देखें तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्री भी हैं और डिसएग्री भी हैं कि एग्जाम कैंसिल होने चाहिए या नहीं कैंसिल होने चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने तो अपना आज ये सीएन सुना दिया है कि स्टूडेंट की जो मेजोरिटी है वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। तो इस हवाले से डॉक्टर मुराद रास ने भी एक अपना एक ऑफिशियल ट्वीट किया है। डॉक्टर मुराद रास के इस ट्वीट के अंदर बताया जा रहा है कि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की जो क्लासेस हैं वो 19 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं और ये वीक में 2 दिन क्लासेस हुआ करेंगी, मंडे और थर्सडे को। तो इसके अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो नेम हैं वो मेंशन कर देंगे, जिनमें गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, मुल्तान और जितने भी रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, जारी करदार जो रेगुलर शेड्यूल है उसको फॉलो करें। एजुकेशन के हवाले से ये आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अगर आप लोगों को ये लेटेस्ट अपडेट अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।